हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा फेसबुक अकाउंट को आप परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं या जो भी अकाउंट हैं आप उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो कोई भी कारण से, तो आप कैसे कर सकते हो इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। तो पहले क्या करना है, आप लोगों को फेसबुक को ओपन कर लेना है। और यहाँ पर क्या करना है, आपको जो यहाँ पर प्रोफाइल का आइकॉन दिखा है यहाँ पर नीचे भी रहेगा या ऊपर साइड पर भी हो सकता है, अपडेट की वजह से यहाँ पर नीचे आ गया। तो आप लोगों को यहाँ पर जो फोटो वाला आइकॉन है थ्री डॉट, यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आ जाना है। आने के बाद में एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेटिंग्स एंड प्राइवेसी ऊपर आ गया, तो इसके नीचे एक सेटिंग वाला ऑप्शन है सेटिंग्स, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर नया जो मेटा वाला अकाउंट सेंटर है आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पर आप लोग अकाउंट सेंटर में ये वाला नया जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टेड एक्सपीरियंस, तो आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट सेटिंग वाला ऑप्शन के नीचे आप लोगों को पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन ऑफिस से मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है इसके साथ में बार डेट, तो यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो यही ऑप्शन पर आपका डिलीट वाला ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल में, तो यहाँ पे नीचे वाला जो ऑप्शन है डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन, तो यहाँ पे आप लोगों को वापस से क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन, यहाँ पे जो भी फेसबुक अकाउंट है आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएगा, तो वही अकाउंट की साइट पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डीएक्टिवेटिंग और डिलीटिंग योर फेसबुक अकाउंट, तो यहाँ पे आप लोगों को जो पहला वाला ऑप्शन है ब्लू कलर में टिक लगा हुआ, ये टेम्पोरेरी डीएक्टिव होगा यहाँ पे अगर कंटिन्यू करोगे। अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो नीचे वाला करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके बाद में आप लोगों को कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिलीटिंग योर फेसबुक अकाउंट, अगर आपने जो अकाउंट है वो डिलीट कर दोगे तो आपका जो अकाउंट में जितना भी पेजेस है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर पेज से कोई दिक्कत है तो आप पेज को पहले एक्सेस देके दूसरा अकाउंट पे लेके जा सकते हो। अगर पेज के साथ में ही डिलीट करना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। करने के बाद में यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बिफ़ोर यू डिलीट वी मे बी एबल टू हेल्प, तो यहाँ पर आप किस कारण से जो डिलीट कर रहे हो तो यहाँ पर कोई भी एक रीज़न देना होगा जिस कारण से आप डिलीट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो सेकेंड वाला ऑप्शन है आई हैव ए प्राइवेसी कंसर्न, तो ही वाला ऑप्शन बेस्ट है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब दूसरा जो रीज़न है वो भी दे सकते हो, तो यहाँ पे इसके बाद में आप लोगों को कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे प्राइवेसी ऑन फेसबुक आप लोग देख सकते हो, जो जितना भी इन्फॉर्मेशन है आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके बाद में आप लोगों को कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे परमानेंटली डिलीट अकाउंट, तो यहाँ पे बिफोर यू डिलीट तो आप लोग देख सकते हो मैसेंजर डीएक्टिव हो जाएगा, तो जितना भी सेव डाउनलोड सब कुछ डीएक्टिव हो जाएगा। अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन को तो यहाँ पे ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद में आपका अकाउंट का जो भी पासवर्ड है उसको यहाँ पे दे देना है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपना पासवर्ड। तो पासवर्ड देने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आपका पासवर्ड आप भूल गए हो, आपका जो भी अकाउंट का पासवर्ड है, तो यहाँ पे आप लोग नीचे वाला ऑप्शन फॉरगेट पे क्लिक करके रिसेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो आप लोग देख सकते हो कंफर्म परमानेंटली अकाउंट डिलीटेशन, तो यहाँ पे 30 डेज़ का शेड्यूल हो जाएगा। अगर आज की तारीख में आप जो डिलीट का शेड्यूल लगाओगे तो एक महीना बाद जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, तो ये तुरंत नहीं होता है, तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। अगर आप वापस से लॉगिन करते हो तो ये अकाउंट रिएक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पर एक महीना तक वेट करना होगा डिलीट होने के लिए। लेकिन आपको फेसबुक पर कोई भी सर्च करके भी नहीं ढूंढ पाएगा, ये एक तरफ का जो डिएक्टिव है तो ऐसे ही रहेगा, आपका जो अकाउंट है एक महीने के बाद परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे आपका डिलीट होना शुरू हो जाएगा, कुछ सेकंड टाइम लगा, लेने के बाद में आप लोग देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे मिनिमाइज हो गया। तो ऐसे ही कर सकते हो आप लोग भी। इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।